खबर सीहोर मध्य प्रदेश से है। 10 लाख रुपए की पानी की टंकी 2 साल में हुई खंडर, एक बूंद नहीं मिला ग्रामीणों को पानी की टंकी। बता दें कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी मूलभूत सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत जमाली बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण हैंडपंप पर घंटों लाइन में लगे रहते हैं, तब जाके पानी बड़े नसीब से उन्हें उपलब्ध होता है। बता दें कि मध्य प्रदेश शौच मुक्त होने के बावजूद भी लोटा लेकर खुले में शौच के लिए जाने के लिए लोग हैं मजबूर। ग्रामीण महिला बच्चे सीहोर जिला मुख्यालय 32 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत इच्छावर के ग्राम जामली का है, जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे हैं। गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, जिस पर किसी प्रतिनिधि या निधि या अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कहां रहते हो? ये बताइए क्या समस्या आपके गाँव की? गाँव में पानी भी नहीं है और ना कुटी है, ना कोई शौचालय बंदा है, ना कहीं हमें परमिट बना, कहीं भी नहीं। तो ये जो पूर्व सरपंच थे आपके, उनने कोई विकास किया गांव में? नहीं भी नहीं किया हमने। तो ये बताइए अब आप क्या चाहते हो? हम तो कुटी भी चाहते हैं 2.5 लाख की, और हमारा घर भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, हमारा बच्चा बच्ची लिखा पढ़ेगा, सब करना चाहिए। हाँ, स्कूल है यहाँ? स्कूल है। शिक्षक पूरे आते हैं या नहीं आते? आते हैं। कितने हैंड पंप है यहाँ? 8-10 और अभी पानी कितने से भर रहे हो आप? अबे हमारे एक ही चल रही है, मतलब एक में इतनी भीड़ लगी रहती है, रात रात भर पड़े रहेंगे। तो इसके आप दिन एक हमारा पानी, इसके आप लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पानी की समस्या है? कहीं मतलब दूसरे नालों को सुधारा नहीं जा रहा है? घर घर नल चाहिए, घर मतलब अभी जो जो मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं, क्या समस्या आप लोगों की? सब पानी की समस्या है हमारी, दिन दिन भर पानी में हो जाता है, पानी का ठिकाना नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से पानी मिलता, रात भर भी हो जाते, दिन भर भी हो जाता पानी, पानी नहीं। ये जो एक नल है इसके अलावा और कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है, एक ही नल है, और जो नल होने सब बिगड़ पड़े हैं, पानी एक ही नल में है, पानी नहीं है, और वो में पानी नहीं थे ये नल में भी। और आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला या नहीं मिला? कोटी मिली है अब तो, 25,000 डाले हैं, 1.35 की बोल रहे हैं, तो 1.35 में क्या घर बन रही है? कम से कम 2.5 लाख की तो होनी चाहिए। नहीं, शहरों में तो 2.5 लाख ही मिल रहा है, शहरों में 2.5 लाख की मिल रही, गांव पे तो इतनी दे रही है 1.35 की नहीं। अभी 1.35 में क्या लोहा कितना महंगा है, 6,000 की रेत आ रही है, 7,000 को कुंडल, 8,000 कुंडल लोहा आ रही है। तो अब आप क्या चाहती हो सरकार से? अब ज्यादा नहीं, 2 लाख 2.5 लाख की तो होनी चाहिए, गरीब आदमी कैसे वहाँ लेते हैं। आपको पंचायत में मजदूरी मिलती या नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं मिलती मजदूरी। तो ये जो पंचायत के काम होते हैं काय से होते हैं? मशीन से होते हैं। और शौचालय भी नहीं मिला आपको? आपको शौचालय भी नहीं मिला, हमको तो गड्ढा खुद खुदाए पड़े भी, और हमारे शौचालय भी पैसे गिर के खा गए उनने। कौन ने खा गए? ये सरपंच ही कट रही हूँ। मतलब आपके शौचालय खा गए? हमारे शौचालय खा गए। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? हमारे को शौचालय मिलने चाहिए, पानी। कहाँ रहते हो? जामली। क्या समस्या आप लगी? पानी। तो पानी नहीं है आपके गाँव में? है ये जो बरमे पे भीड़ लग रही थी, मतलब एक ही बरमे पे पूरा गांव वास्ते है, 10-15 बरमा है और एक ही चल रही है, सब बंद पड़े। इसके शिकायत किया आप लोगों ने? शिकायत की तो सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुने, कोई नहीं सुने। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का जिला है ना? हाँ, जब भी नहीं सुनता है कोई, कोई नहीं सुना। और आपके यहाँ शौचालय उचालय है या नहीं है? ₹2.5 लाख चाहिए। मतलब शहर में 2.5 लाख मिल रहा है और गांव में 1.25 लाख, मतलब आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है।